Assalamualaikum, welcome to Amir Speaks. आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस की। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपने देखा होगा स्मार्टफोन्स की बात तो बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन स्मार्ट वॉचेस की जो टॉप 5 कैटेगरी है वो हम लोग नहीं मिलाते, और लास्ट में हम उनको रैंकिंग जो है वो तरतीब देंगे हु कम्स फर्स्ट एंड हु कम्स लास्ट। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक लास्ट में देखना है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सी स्मार्ट वॉच आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह सबसे पहले जो डिवाइस हमारे पास आती है वो है MC72 और MC72 Pro। ये एप्पल सीरीज 6 का क्लोन है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो तकरीबन सारी की सारी स्मार्ट वॉचेज की प्राइस जो है राउंड अबाउट 4500 से लेकर 5000 के इन बिटवीन आपको देखने को मिलती है। तो सिंपली सबसे पहले बात करते हैं इसकी वेट की। 50 ग्राम से यहाँ पर आपको वेट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा स्क्वायर शेप के अंदर ये स्मार्ट वॉच आपके पास अवेलेबल है। 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, ब्लैक, व्हाइट, पिंक। उसके अलावा TFT पैनल है, 1.72 इंच की स्क्रीन है, 320 पिक्सल × 385 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी आपको अवेलेबल है। iOS और एंड्रॉइड दोनों ही डिवाइसेस को ये सपोर्ट करती है। जी सेंसर अवेलेबल है। अगर बात करूँ वर्जन ब्लूटूथ की, तो 4.0 से अबव जितनी भी डिवाइसेज हैं ये उसके ऊपर काम करेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉलिंग की, मैसेजिंग फीचर्स की और म्यूजिक, यहाँ पर आप इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं या नहीं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये इनेबल कर देती है। उसके अलावा यहाँ पर आप ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी बैटरी की, 280 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, और ये जो बैटरी है आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देगी। अगर बात करूँ इसकी प्राइस की, तो 4750 रुपये यहाँ पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल है, और 4900 के इन बिटवीन कहीं आपको ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी प्राइसेस जो है वो वेरी करती हुई दिखाई देगी। इससे एक्सीड अगर ये आपको कहीं मिले तो वहाँ से आपने बिल्कुल नहीं लेनी। उसके बाद बात करते हैं दूसरी जो स्मार्ट वॉच है, ये काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी और अभी भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिट है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ HW22 स्मार्ट वॉच की। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेट की, तो यहाँ पर आपका जो वेट थी, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वेट जो है इसका राउंड अबाउट 45-50 ग्राम्स के इन बिटवीन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करूँ यहाँ पर इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ पर 64 MB तक आपको स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है। रैम जो है 128 MB तक आपके पास अवेलेबल है। ये स्मार्ट वॉच आपको कॉलिंग, मैसेजिंग और म्यूजिक का फीचर प्रोवाइड कर देती है। 180 से 200 mAh के बीच इसकी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, किनके साथ ये सपोर्ट करता है, तो सिंपली iOS एंड एंड्रॉयड बोथ को ये सपोर्ट कर देती है। अगर बात करूँ यहाँ पर स्क्रीन साइज की, 1.75 इंच के यहाँ पर आपका स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है, और स्क्वायर शेप के जरिए आपको देखने को मिलती है। रेजोल्यूशन की बात करूँ, 320 × 385 पिक्सल का यहाँ पर आपके पास रेजोल्यूशन मिल जाता है, और MediaTek का यहाँ पर आपके पास चिपसेट भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन की, तो ये एक तो ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाएगी वर्जन 5.0 अबव डिवाइसेस के ऊपर, और वेयर फिट प्रो के नाम से एक ऐप है इसकी जिसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर सिंपली 5000 की ये पाकिस्तानी मार्केट में अंदर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं HW21 की। इसका जो वेट है वो राउंड अबाउट आपको 40 ग्राम्स के अराउंड देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ इस डिवाइस की, तो ये इसका जो शेप है वो सर्कल शेप के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास रैम जो है अपटू 64 MB तक प्रोवाइड कर देती है। कॉलिंग आप कर सकते हैं इस डिवाइस के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ब्लूटूथ मैसेजिंग का फीचर भी अवेलेबल है। म्यूजिक वगैरह भी ब्लूटूथ के साथ आप प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा बैटरी जो है 200 mAh की आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर iOS 10 और Android 5 से अबव जितनी भी डिवाइसेस हैं आप उनके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए रेजोल्यूशन और स्क्रीन साइज की, तो 1.28 इंच की यहाँ पर आपके पास सिंपली स्क्रीन साइज मिल जाता है, एंड 240 × 240 पिक्सल का यहाँ पर आपके पास रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके मटेरियल की, तो मेटल एप्स प्लस रबर मटेरियल आपके पास यूज होता हुआ दिखाई देता है। ये ओनली ब्लैक कलर के अंदर आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, और इसकी जो एप्लीकेशन है वेयर फिट प्रो के नाम से एक ऐप है जिसकी वजह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। उसके अलावा जो फोर्थ डिवाइस हमारे पास आती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है U88। ये भी एप्पल सीरीज 6 का ही क्लोन है, बट अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस की, तो यहाँ पर 50 ग्राम इसका वेट देखने को मिल जाएगा। रैम और रोम अप टू 128 MB तक आपको देखने को मिल जाती है। कॉलिंग का फीचर भी अवेलेबल है, मैसेजिंग वगैरह भी, ब्लूटूथ म्यूजिक भी आप इसके ऊपर इंजॉय कर सकते हैं। 220 मिलियन पास की यहाँ पर आपको अराउंड बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो iOS के ऊपर भी सपोर्टेड है। उसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइसेस को भी ये सपोर्ट करती है। अगर बात की जाए यहाँ पर इसके रेजोल्यूशन की और इसके स्क्रीन साइज की, 1.75 इंच का स्क्रीन साइज है। उसके अलावा 320 × 385 पिक्सल का रेजोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है ब्लैक कलर के अंदर, और यहाँ पर ये पिंक कलर के अंदर आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी सबसे खास चीज़ जो ये थी, कि यहाँ पर आप हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह भी ट्राई आउट कर सकते हैं।
जी जी हल्की हल्की ज्यादा नहीं, यहाँ पर सिंपली जो पजल्स गेम है वो भी आप इसके ऊपर खेल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है 4800 के आसपास आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। और अब जो बात करने वाले हम लास्ट डिवाइस जो हमारे पास आती है AK76, 50 ग्राम इसका वेट है। रैम और रोम की बात करें तो 128 MB तक आपको प्रोवाइड कर देते हैं ये डिवाइस। कॉलिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग आपके पास अवेलेबल है, मैसेजिंग वगैरह के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा बात करूँ म्यूजिक की, तो आप इसके म्यूजिक वगैरह भी प्ले कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 220 mAh की आपके पास बैटरी देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि iOS प्लस एंड्रॉइड के लिए ये सपोर्ट कर देती है। अगर बात कीजिए रेजोल्यूशन एंड स्क्रीन साइज की, तो 1.75 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आपको 320x385 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है। ब्लैक एंड पिंक कलर के अंदर ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल है। और अगर बात की जाए इसके प्राइस टैग की, तो 4750 रुपीज की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये आपको अराउंड देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सारी की सारी डिवाइसेस को हमने जज कर लिया, इनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह जान ली, आपने देख भी लिया इन डिवाइसेस को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पे कौन सी आती थी। यार सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टॉप 5 में से 5th नंबर की, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से MC72 जो है वो आती है राउंड अबाउट 5th नंबर के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर 4th की, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से SW22 जो है उसको मैं रखूँगा नंबर 4th के ऊपर। AK76 जो है उसको मैं रखूँगा 3rd नंबर के ऊपर। अगर मैं बात करूँ SW21 की, तो मैं रखूंगा 2nd नंबर के ऊपर। अब फर्स्ट और सेकंड मैंने क्यों रखा ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट के ऊपर रखूंगा U88। U88 को मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर आपको थोड़ा सा मल्टीमीडिया के साथ गेमिंग वगैरह भी मिल जाती है, इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन तमाम की तमाम स्मार्ट वॉचेस के अंदर फेस वॉचेस जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंसेस वगैरह जो मुझे देखने को नहीं मिले, इसलिए रैंकिंग के अंदर मुझे थोड़ी सी कोई परेशानी वगैरह नहीं हुई। U88 अगर आप लेना चाहते हैं वो बेस्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है। उसके अलावा SW21 का ऑप्शन आ जाता है, थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी के अंदर आ जाती है। बाकी की सारी जो है बिल्कुल एक सिमिलर कैटेगरी के अंदर सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, आप किसी भी क्लोन को बाय कर सकते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।